हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, आज आपका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और उसमें हम पढ़ेंगे आपका लेसन फर्स्ट। ओके, तो लेसन फर्स्ट में भी दो पार्ट होंगे, इसलिए मैंने 1.1 और 1.2 आगे देखेंगे। ओके, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो, या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज एम इज आर एम। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं बच्चों, इज आर एम, इनका हमें यूज़ कैसे करना होता है। तो चलिए देखिए, तो इस पूरे में बता दूँ आपको बच्चों, ये पूरी जो सीरीज़ होगी जिसमें हम लेसन्स 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पढ़ेंगे, करीब ये आपके लेसन्स 20 लेसन्स होंगे, जिसमें कि हम सारा ट्रांसलेशन सीख जाएंगे बच्चों। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, पूरा ट्रांसलेशन हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, जो टेंसेज होते हैं ना, वो बहुत मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया है और बहुत बड़े लेवल तक हम जाएंगे आगे। ओके, तो देखो बच्चों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो मीनिंग है वो क्या होता है। सिंपली जो लिटरली इनका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है देखो है, और आर का मतलब होता है, इस पर हैं पे देखो बिंदी आ रही है, डॉट आ रहा है यानी जो प्लूरल होता है उसमें आता है, जब भी आएगा तो, है ना। और एम का मतलब हूँ, वो तो आई के साथ आता है ना। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव जाता हूँ, हूँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। एम हैं, वे अध्यापक हैं, वह एक डॉक्टर है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। सिंपली सिंपली मीनिंग इनका जो होता है। अब देखो है कब लगाते हैं, यानी इज कब लगाते हैं हम। इज लगाते हैं जब किसी सेंटेंस में है आ जाए पीछे, या फिर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ही शी, है ना। आपको पता है ही किसके लिए आता है, मेल्स के लिए आता है, शी फीमेल जो होती हैं उनके लिए आता है। इट यानी यह, नेम यानी किसी का नाम आ जाए, या सिंगुलर वर्ब होता है तो उसमें आता है इज। और आर किस में आता है, वी आ जाए, वी यानी हम आ जाए। यू आप जानते हो, दे यानी वे होता है, या कोई प्लूरल नाउन आ जाए उसमें लगाते हैं। एम कब लगाते हैं, जब आई आता है, सिंपल। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ देखने के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस जनरली हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो 4 टाइप्स के सेंटेंस हम देखेंगे। ठीक है, होते हो तो ज़्यादा तरह के हैं, 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें जो देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बच्चों, वह एक अध्यापक है। ओके, वह एक अध्यापक है, देखो ये सिंपल चीज़ है, सिंपल सेंटेंसेस है, तो इसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, इस तरह जो सिंपल होते हैं उनको एफर्मेटिव कहते हैं। दूसरा होता है, वह एक अध्यापक नहीं है, इसमें नॉट आ गया, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेंस कैसा निकल रहा है, इसमें नेगेटिव सेंस निकल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें नहीं आ जाता है या नॉट आ जाता है उसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, और बच्चों अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और क्या से शुरू किया जाए, जैसे क्या वह एक अध्यापक है, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। तो ये कैसे ही इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इंटरोगेटिव में भी दो तरह के होते हैं, एक तो यस नो वाले होते हैं, यस नो टाइप, इसलिए मैंने भी लिखा हुआ है। दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले, जिसमें कि कोई डब्ल्यू एच वर्ड आता है। डब्ल्यू एच का मतलब है जो, या तो वो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है या एच से स्टार्ट होता है, जैसे वाई, ठीक है, वॉट, वेयर, वैन, या फिर हाउ, इस तरह से एच ओ डब्ल्यू हाउ, इस तरह से उन वर्ड से स्टार्ट होता है। ओके, ये भी इंटरोगेटिव होते हैं, जैसे वह क्या है, ठीक है, वॉट इज शी, इस तरह से। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसके 4 टाइप्स जनरली बन सकते हैं, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, और चौथा डब्ल्यू एच वर्ड वाला है। सिंपल है, ये आप नोट कर लेंगे। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको सीखेंगे।
चलो पहला है हमारा एफर्मेटिव, तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव मतलब जो साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई, हूँ आ रहा है तो एम, ठीक है। आई एम एक ए अध्यापक यानी टीचर, आई एम अ टीचर, ओके। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतने छोटे लेवल से स्टार्ट किया है ना, बहुत छोटे लेवल से, पर कोई बात नहीं है, ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं आए। वह एक अच्छा अभिनेता है, वह यानी ही, अब यहाँ पे जो अभिनेता है तो यहाँ पे हम शी भी लगा सकते हैं, एक्ट्रेस होती है वो, अभिनेत्री होता तो शी लगाते, लेकिन यहाँ अभिनेता है, इसका मतलब वो क्या है, मेल है, तो ही लगाएंगे। तो वह है, ही इज, ओके, तो क्या आएगा, ही के साथ इज आता है, तो है वैसे भी है आ रहा है तो इज आएगा, ठीक है। इज़ अ गुड एक्टर। तुम हमारे भतीजे हो, तुम यानी यू, तो यू के साथ क्या आता है, आर आता है, तो यू आर हमारे, अवर, हमारे का बोला क्या हुआ, अवर भतीजे यानी नेफ्यू, ओके, यू आर अवर नेफ्यू। वे बहुत निर्धन हैं, वे यानी वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के साथ क्या आता है, आर, दे आर वेरी पुअर, ओके। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस देख रहे हो बच्चों, इनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फूड क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल्स हैं मैंने आपको दिए हैं, बाकी के आपको देखो, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको अलग से दे रखे हैं, ये आपको खुद बनाने हैं। जैसे कविता मेरी सहेली है, दिल्ली भारत की राजधानी है, राजधानी को कहते हैं कैपिटल, ओके। वह एक ईमानदार लड़की है, वह बहुत ज्ञानी है, रमेश घर पर है, रमेश अपने घर पर है, ओके। तो बच्चों ये सेंटेंसेस भी आपको खुद बनाने हैं। तो ये सारा जो मैंने वर्क तैयार किया है, ये आपको नोट करना है पहले तो, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा नोट करना है आपको, ये पूरा, उसके बाद ये सेंटेंस आपको बनाने हैं होमवर्क में, ओके। और ये इंग्लिश ग्रामर का आपका A1 लेसन होगा, A1 असाइनमेंट होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।